नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलसाई में आपका स्वागत है। कॉमेडियन राजेश श्रीवास्तव का निधन हो गया है। बता दें कि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। बीते 42 दिनों से वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने आज अपने प्राण त्याग दिए हैं। राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वो हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए, लेकिन वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। इसके अलावा अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके राजू के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख है। वो एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद सिंदते इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वे काफ़ी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों एवं सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बता दें, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 10 अगस्त को बेहोश होने के बाद से ही उन्हें होश नहीं आया था। यही वजह थी कि डॉक्टर्स के लिए यह परेशानी का विषय बना हुआ था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।